अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाइस उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज का जो वैकेंसी मैं अपडेट करूँगा ये सऊदी अरब का रियाद सिटी का है, ठीक है। तो आप लोग से यही कहूँगा कि अगर आप ड्राइवर के जॉब में, ये ड्राइवर का वैकेंसी है, रियाद में जाना है, तो अगर आप ड्राइवर का जॉब सर्च कर रहे हो तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। पूरी वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो कि सैलरी क्या होगा, पासपोर्ट कौन सा चाहिए, उम्र कितना तक चलेगा और किस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या भेजना है, किस नंबर पर भेजना है और कैसे मुलाकात होगा, कैसे डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, ये सारा डिटेल में पूरा फुल प्रोसेस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो भगाना नहीं है, पूरा वीडियो को पहले अच्छे से देख लेना है और अगर आपको समझ में आ जाएगा, जाना रहेगा, तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर इसी वीडियो के अंदर लास्ट में दे दूँगा, उसी नंबर पर आपको सारा चीज़ डॉक्यूमेंट भेजना है जिसे ऐसा बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी बहुत अच्छा लगा है कंपनी जो सैलरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन करें तो प्लीज़ चैनल का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और यूज़र आईडी इधर दे दिया हूँ, ठीक है। और टेलीग्राम से जुड़े रहेंगे तो आपको जितना भी नया नया वैकेंसी है डेली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि डेली जो है ना दो तीन वैकेंसी आता है लेकिन वीडियो हर किसी का नहीं बना पाते हैं, टाइम नहीं मिल पाता है इतना। और जो वैकेंसी जो आपको मिस कर रहे हो आप यूट्यूब पे, वो आपको टेलीग्राम पे सारा वैकेंसी मिल जाएगा डिमांड लेटर के साथ, ठीक है। लेकिन यूट्यूब पे भी बने रहिए। यूट्यूब पे क्या है कि वीडियो देखोगे तो बहुत कोई भी आप जो किसी भी कैटेगरी का जॉब अगर सर्च कर रहे हो तो वीडियो देखने से ये चीज़ नॉलेज हो जाता है कि मतलब अगर हम फॉरेन में जा रहे हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो किस तरीका से डॉक्यूमेंट रेडी किया जाता है और क्या क्या किस जॉब के लिए क्या क्या चीज़ लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये सारा चीज़ आपको वीडियो देखने से बहुत सारा डिटेल मिल जाता है, ठीक है। तो इस जॉब में अगर ड्राइवर, आप हाउस ड्राइवर का जॉब सर्च कर रहे हो सऊदी के अंदर रियाद में, तो ये वीडियो उसके लिए है और सैलरी बहुत अच्छा लगा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जिस तरीका से बताऊंगा उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट रेडी करके उसके बाद यही नंबर दूंगा, उसी नंबर पर आपको भेजना है, ठीक है। तो और आपको कोई भी नंबर पर फ़ोन नहीं करना। बहुत से बंदे क्या करते हैं ना कि वैकेंसी पूरा देखते नहीं है, नंबर लेके बस फ़ोन करेंगे और व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो यही पूछेंगे कि ये काम है कि नहीं, वो काम है कि नहीं। तो उन लोग से मैं ये बोलना चाहूँगा कि नंबर आपको वैकेंसी देखते हो जब भी मिलता है, तो वैकेंसी जब देखो, जो चीज़ आपको पढ़ लिए, देख लिए, सारा चीज़ समझ में आ गया, फिर वो चीज़ ना पूछा करें। वो चीज़ फिर आदमी आते हैं पूछते हैं, फिर वही चीज़ डिटेल में बताओ और जब तक कि वैकेंसी ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग जब वीडियो देख लो चाहे वैकेंसी देख लो, सारा चीज़ जब समझ में आ जाए तो जैसा बताया गया उस हिसाब से ही आप डॉक्यूमेंट सीधा डॉक्यूमेंट भेजो, बताओ ये वाला वैकेंसी मैंने देखा हूँ, इसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डाल रहा हूँ। डॉक्यूमेंट आएगा तो आपको सर्विस चार्ज बता दीजिएगा आपका काम प्रोसेस होने से पहले, अगर आप एग्री होते हैं तो फिर आगे का प्रोसेस बता दीजिएगा, कोई भी आपको एडवांस पेमेंट नहीं देना है, ठीक है। तो वीडियो कर लेते हैं भाई स्टार्ट। सऊदी अरब के अंदर रियाद सिटी है और वहाँ पे 15 ड्राइवर का रिक्वायरमेंट है और डायरेक्ट हाउस ड्राइवर चाहिए, 15 हाउस ड्राइवर चाहिए और जो वीज़ा है वो डायरेक्ट कफिल का वीज़ा लगेगा, कोई भी सप्लायर कंपनी का वीज़ा नहीं लगेगा, डायरेक्ट स्पॉन्सर का वीज़ा लगेगा, ठीक है। और इसके अंदर सैलरी 1500 से 2000 तक है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट आपका आएगा तो डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ही कंफर्म हो जाएगा कि आपका क्या सैलरी लगेगा, यानी आप जब डॉक्यूमेंट भेजेंगे तो डॉक्यूमेंट आपको चेक करने के बाद में 1-2 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका सैलरी कितना लगाया है कफिल ने, ठीक है। तो जब सैलरी आपको बता दिया जाएगा, खर्चा बता दीजिएगा, अगर आपको जाना रहेगा तो फिर आके आप मेडिकल उडकल कर सकते हैं, मेडिकल कहीं से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मुंबई ही आके मेडिकल करना है, आप जहाँ पे भी हैं ऑनलाइन अपॉइंटमेंट निकालिए, जहाँ सेंटर जाता है नज़दीक पड़ता है वहाँ से आप मेडिकल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर आप जाना चाह रहे हो तो इसमें वही बंदा अप्लाई करे जो सऊदी रिटर्न हो, ठीक है, सऊदी रिटर्न हो और सऊदी का उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए और लाइसेंस का जो फोटोकॉपी है, फोटोकॉपी भी रहेगा जब भी चलेगा, यानी मतलब खाली सऊदी रिटर्न नहीं, यानी गल्फ रिटर्न होना चाहिए, यानी गल्फ में चाहे कुवैत, दुबई, कतर, बहरीन, ओमान, कहीं से भी आप रिटर्न हैं और गल्फ का आपके पास में लाइसेंस है, चाहे फोटोकॉपी हो, चाहे वैलिड हो या एक्सपायर हो, यानी लाइसेंस होना चाहिए, तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। डॉक्यूमेंट आने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, कफिल को जाएगा, फिर उसके बाद आपका सैलरी 1500 लगा रहा है या 1700 लगा रहा है या 1800 लगा रहा है या 2000 लगा रहा है, ठीक है, यानी 1500 से 2000 के बीच में सैलरी लगेगा प्लस खाना भी मिलेगा, ठीक है। अगर खाना नहीं देगा तो खाने का 300 आपको अलग से आएगा और रूम, इकामा, मेडिकल कार्ड, इंश्योरेंस, लाइसेंस, ये सारा चीज़ कफिल बनवाएगा और डायरेक्ट कफिल का वीज़ा लगेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि सप्लायर का वीज़ा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ क्लियर, सैलरी कब होगा, यानी इसमें रिटर्न बंदे ही चाहिए, फ्रेश नहीं अप्लाई कर सकते हैं, रिटर्न होना चाहिए गल्फ रिटर्न, यानी गल्फ कोई भी कंट्री से रिटर्न, और उसके पास लाइसेंस हो।
तो 1500 से लेकर 2000 के बीच सैलरी लगेगा और उसके बाद में प्लस खाना रहना रूम का मतलब मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो इसमें डॉक्यूमेंट कोई भी मोबाइल से फ़ोटो खींच के नहीं भेजना है आपको, यानी अपना सारा डॉक्यूमेंट लेके कोई कंप्यूटर की दुकान पे जाना है जहाँ पे फोटोकॉपी भी होता है, वहाँ से अपना पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पेज स्कैन करवाना है और जहाँ से आप रिटर्न है उस वो वीज़ा लगा होगा आपके पासपोर्ट पे, वीज़ा कॉपी स्कैन कराना है और उसके बाद में इंडिया का और जहाँ से रिटर्न है वहाँ का लाइसेंस होगा, ये दोनों का फोटोकॉपी करा लेना है, स्कैन करवा लेना है और उसके बाद में एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और उसके बाद में वैक्सीन का रिपोर्ट, ठीक है। यानी पासपोर्ट फर्स्ट क्लास पेज, पासपोर्ट साइज का फोटो और पासपोर्ट पर वीज़ा लगा होगा वीज़ा कॉपी और गल्फ का और इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस और उसके बाद वैक्सीन का रिपोर्ट, ये कंप्यूटर दुकान पे जाके वहाँ से अच्छे से स्कैन करा के एक पीडीएफ फॉर्मेट बनाना है और उसके बाद में यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ इस पर भेजना है और आपको एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है, ठीक है। और वीडियो में ये बोलना है कि आप जहाँ से भी रिटर्न है कोशिश बोलना है कि मेरा नाम ये है और आपके पास में जो गल्फ वाला लाइसेंस है चाहे फोटो कापी होगा और चाहे हार्ड कॉपी होगा वो बताना है। अगर हार्ड कॉपी आपके पास में है ओरिजिनल तो वीडियो के अंदर दिखा देना है, ठीक है। और अगर वीडियो हार्ड कॉपी आपके पास नहीं है फोटो कॉपी है तो मुझसे बता देना है कि फोटो मतलब लाइसेंस मेरे पास फोटो कॉपी है, यानी वीडियो में बोलना है कि मेरा नाम ये है और मैं हाउस ड्राइवर का काम करता हूँ और मैं जहाँ से आप रिटर्न हैं चाहे सऊदी कहीं से भी जहाँ से भी रिटर्न है बताना है कि इस सिटी के अंदर मैं काम किया हुआ हूँ और मेरे पास में ओरिजिनल अगर लाइसेंस है तो ओरिजिनल लाइसेंस दिखा देना है। जैसा मतलब आप सऊदी से रियाद से ही रिटर्न हैं तो बोलना है मेरा नाम ये है, मैं हाउस ड्राइवर का काम किया हूँ और मेरा उम्र इतना है, मैं इंडिया में यहाँ से रहने वाला हूँ और मैं सऊदी रिटर्न हूँ, सऊदी में रियाद सिटी में काम किया हूँ इतना साल, 3 साल 4 साल जो भी काम करे हो और उसके बाद में ये मेरे पास लाइसेंस है, इसे शो करना है वीडियो में, ओरिजिनल मेरे पास हार्ड कॉपी है लाइसेंस है और उसके बाद में मैं इस हाउस ड्राइवर में जाने के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप कहीं दुबई से कतर से कुवैत से कहीं से भी रिटर्न हैं तो चीज बोल देना है कि यहाँ से हम रिटर्न हैं और वहाँ इतने साल में काम किया हुआ हूँ, ठीक है। और अगर ओरिजिनल लाइसेंस है तो आपको दिखाना है, लाइसेंस ओरिजिनल नहीं है तो ये बोल देना है कि मेरे पास में वहाँ का लाइसेंस भी मौजूद है, ठीक है। इतना बोल के आपको वीडियो और डॉक्यूमेंट के साथ में यहाँ दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। डॉक्यूमेंट आने के बाद में सारा चीज़ चेक कर लिया जाएगा, उसके बाद में आपको खर्चा बता दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप एग्री होते हैं तो डॉक्यूमेंट कफिल को जाएगा, फिर आपका क्या सैलरी लगाया है, कितना लगाया है वो चीज़ आपको बता दीजिएगा कि इतना सैलरी लगाया है कफिल। तो अगर आप एग्री होंगे तो फिर आगे का उससे बताया जाएगा कैसे क्या करना है। अगर आपको इस जॉब में जाना है, इस जॉब समझ में आया है तो जिस तरीके से बताएगा उस तरीके से जाके अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिए, उसके बाद में फिर कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। और कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो का लाइक करना, वीडियो का शेयर करना और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना और चैनल को बगैर सब्सक्राइब करके देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं सीनेक्ट जॉब के साथ, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।